हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है हमें। कि ये जो हमें नंबर दे रखा है किसका, क्यूब रूट है। अब देखो, फर्स्ट है 64 के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 64 को हमने सबसे पहले किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 आ गया। फिर 2 से कर देंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ जाएगा हमारे पास। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज, हमने लिख लिए पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं क्यूब के लिए। तो हमारे पास ये 3 का पेयर और ये भी 3 का पेयर, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 क्यूब मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख देंगे, 2 का क्यूब। अब क्यूब रूट निकालना है तो 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि क्यूब रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड, 512 के पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आ गया हमारे पास। फिर हम इसको नोट करेंगे, 3 times 3 times 3 times, तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 512 इज, क्यूब रूट ऑफ 512 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट है, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं इनका क्यूब रूट, क्योंकि 512 को लिख दिया ना हमने अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, ये 3 के पेयर बना दिए, 2 की पावर 3, पूरे की पावर 3 लिख देंगे, 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। मीन्स हम ये देख लेंगे किसके अंदर कितने पेयर्स में आया है, 1 2 3 3, 2 के 3 पेयर्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट है 8। नेक्स्ट है 10648। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, उसके बाद फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 1 आ जाएगा, 11 1 जा 11, फिर 11 से कर देंगे तो 11 पे आ जाएगा, फिर 11 11 से 1। अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या, ये नंबर से ही इसके प्राइम फैक्टर जो है वो लिख देंगे इसके अंदर, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 11। अब ये देखते हैं किस किस के पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ट्रिपलेट, एक 2 का है और एक 11 का है, 2 मल्टीप्लाई 11 कितना आ जाएगा, 22। तो हमारे पास किसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 22। नेक्स्ट है हमारे पास 27000 का पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 27000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0, फिर 2 से कर दिया, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, फिर 3 से कर देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और इसका सम करके देखते हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 5 से कर देंगे हमारे पास, 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 3 से कर देंगे 3, क्या आ जाएगा, 3, 3 से जब हम इसको करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा और 5 1 जा 5। अब हमारे पास 27 का क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट ऑफ जो भी हमारे पास इसके फैक्टर्स आए वो लिखेंगे, 3 times 3 times, ये भी 3 times है, तो नोट कर लिया। अब किस किस के हैं प्राइम फैक्टर हमारे पास, ये देखो, ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट है, 3 का और 5 का, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये क्या आ जाएगा, 30 का क्यूब।
क्यूब आ जाएगा, और 27 का क्यूब रूट क्या आया 30। नेक्स्ट है हमारे पास 15625। इसके पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 5 से कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कर देंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमारे पास इसके क्यूब रूट में लिखेंगे तो हमारे पास ये जो भी डिजिट्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो नोट करेंगे। 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का ट्रिपलेट हो गया, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स बन गया ट्रिपलेट, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25। इसका क्यूब रूट क्या आएगा 25। नेक्स्ट है 13,824। अब इसका करके देखते हैं, 13,824 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर दिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम इसको नोट कर लेंगे जो भी हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, फिर हम उसका ट्रिपलेट बनाते हैं, 2 का ट्रिपलेट, फिर 2 का ट्रिपलेट, फिर 2 का और फिर 3 का। तो 3 टाइम्स 2 है और एक 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट 24। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेवन्थ पार्ट, 110,592। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से कर दिया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर दिया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 4 जा 8 आ जाएगा और फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी तरह फिर 2 से कर देंगे 216, फिर 2 से कर देंगे 108, 108 को फिर 2 से कर दिया 54। फिर 2 से कर देंगे 27, 27 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 को 3 से 3, 3 की 3 से 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके नंबर से। अब देखो इसके लिए हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। तो क्यूब रूट के लिए हमारे पास ये डिजिट्स आ गए, इन डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब इसको कर लिया तो इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या क्या आएंगे। प्राइम फैक्टर्स नोट कर लेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, 2 का ट्रिपलेट, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो हमारे पास 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ जाएगा और एक 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 का परफेक्ट क्यूब। और ये बोल देंगे 110,592 का क्यूब रूट क्या आया 48। नेक्स्ट है हमारे पास 46,656। अब हम इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23,328। फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर दिया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 आ जाएगा। फिर 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे पास आए, इसके प्राइम फैक्टर्स को नोट करेंगे, उसके बाद हम ट्रिपलेट बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड और फोर्थ, फोर ट्रिपलेट्स बन गए हमारे पास है, 1 2, 2 टाइम्स 2 के ट्रिपलेट हैं और 2 टाइम्स 3 का ट्रिपलेट है, 2 2 जहाँ 4, 3 3 जहाँ 9, 9 4 जहाँ 36, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 36। नेक्स्ट है हमारे पास 1,75,616। हम इसके पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से कर देंगे इसको डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 0 ना जाने कि 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 as it is, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 0 ना जाने कि 0, 2 से 9, अब 19 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, 1 आ जाएगा, 2 5 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 5 जा 10 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 7 से हो जाएगा 49 पे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसको क्यूब रूट के अंदर नोट करेंगे और हम ट्रिपलेट बनाएंगे, 2 का ट्रिपलेट, फिर 2 का ट्रिपलेट, फिर से 2 का और फिर 7 का, ये हमारे पास ट्रिपलेट बन गए, 3 टाइम्स 2 का ट्रिपलेट मल्टीप्लाई 7 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो हमारे पास इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 56। नेक्स्ट है हमारे पास 10th, 91,125। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3 से कर दिया, 3 3 जा 9, अब 1 है, 1 ना जाने के 0, 3 3 जा फिर 9, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 0 as it is, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स को क्यूब रूट के अंदर नोट करेंगे और क्यूब रूट में देखो 3 का ट्रिपलेट, 3 का और 5 का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट 45। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, ये बोल रखा है किसी भी ओड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब क्या आता है 1, उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 27, 5 का क्यूब करके देखो क्या आ जाएगा 125, तो कोई भी अगर ओड नंबर है तो उसका हमेशा क्यूब रूट क्यूब करेंगे तो क्या आएगा ओड नंबर, तो क्या आ जाएगा ये फॉल्स। नेक्स्ट है ई परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, कभी भी परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी लास्ट में 2 जीरोज से एंड नहीं होगा, हमेशा 3 जीरोज से होगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखने, 2 जीरोज से एंड होगा वो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा और 3 जीरोज से होगा वो हमारे पास क्यूब रूट होगा, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, एक नंबर है स्केयर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का स्केयर है वो एंड हो रहा है 5 से, देन इट्स क्यूब एंड विद 25, तो उसका जो क्यूब है वो भी 25 से एंड होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता हमारे पास, मान लिया हमारे पास 25 है, 5 का स्केयर कर देंगे हम 25, तो इसका स्केयर है लास्ट में 5 आ गया, लेकिन अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाता है 125, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर एक में 25 आना ज़रूरी है, अगर हम 15 का करेंगे तो 15 में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉल्स, 15 का ट्राई करके देख सकते हो आप। नेक्स्ट है फोर्थ, देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, कभी भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसका एंड 8 होगा, क्यों, देखो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 2 के बाद अगर हम 4 का क्यूब कर रहे हैं 64 आ जाएगा, तो इसी तरह जब 2 का क्यूब आ गया तो 12 का क्यूब करेंगे तब भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा, तो वो तो परफेक्ट क्यूब होता है, बट इन्होंने क्या दे रखा नो परफेक्ट क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स, ये तो होता है परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है फिफ्थ, द क्यूब ऑफ ए 2-डिजिट नंबर मे बी ए 3-डिजिट नंबर, कभी भी 2-डिजिट नंबर है उसका जो क्यूब करेंगे वो हमेशा मे बी ए 3-डिजिट नंबर, एक 3-डिजिट नंबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है, अब 10 का स्केयर क्यूब करते हैं तो क्या आता है
1000 आता है, तो ये टू डिजिट नंबर है, बट इसका जब हमने क्यूब निकाला तो वो कितने डिजिट का आ गया, फोर डिजिट का, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे हैव सेवन और मोर डिजिट, से सेवन या सेवन से ज़्यादा, लेकिन टेन का क्यूब हमने करके देखा तो फोर डिजिट भी आते हैं, जरूरी नहीं है सेवन और सेवन से ज़्यादा, इसमें तो फोर डिजिट भी आते हैं, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट, एक सिंगल डिजिट का क्यूब नंबर, मे बी ए सिंगल डिजिट, एक सिंगल डिजिट होगा, हो सकता है, मे बी दे दिया ना आपको कि मे बी, हो सकता है टू का क्यूब करेंगे एट आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल डिजिट है, वन का क्यूब करेंगे वन आ जाएगा, तो दोनों में क्या आ गया, सिंगल डिजिट, तो मे बी हो सकता है, इसलिए क्या आया, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, हमें बताया गया है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गेस विद फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, तो क्या आप गेस कर सकते हो विद आउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट है, क्या होगा, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ, इनका भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, कैसे, वी नो दैट, देखो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, एंड पॉसिबल क्यूब ऑफ 11 क्यूब, उसके बाद हम 11 का क्यूब करेंगे, क्योंकि 10 है 1000 के नियरली है, तो उसके बाद 11 करेंगे, 11 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1331, सिंस क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट 1, लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये आएगा, उसके बाद हमारे पास अगर करके देखते हैं तो किसी का भी क्यूब कर ले 1 नहीं आता, इसलिए क्या आ जाएगा, सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। नेक्स्ट है हमारे पास 4913, वी नो दैट, अब देखो लास्ट डिजिट 3 कब आता है, जब किसका क्यूब करें, अगर हम 7 का क्यूब करें, लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 7 होगा तो उसका क्यूब करने से क्या आता है, 343, अब इससे तो बड़ा है ये, 7 के बाद क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे, नेक्स्ट नंबर कम्स विद 7 एज यूनिट डिजिट, अब हमारे पास यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, तो टेंथ प्लेस का क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, 17 क्यूब कितना आ जाएगा, 4913, तो क्यूब रूट ऑफ 4913 is 17. Next है 12167, वी नो दैट, अब देखो लास्ट डिजिट क्या है 7, तो किसका क्यूब करने से 7 आता है, 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, 3 के बाद हम नेक्स्ट टर्म क्या लेते हैं, 13 ले लेंगे, 13 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2197, फिर उसके बाद क्या आएगी, 23 आएगी, 23 का क्यूब क्या आ जाएगा, 12167, हेंस क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। नेक्स्ट है 32768, वी नो दैट, अब लास्ट डिजिट 8 है, तो किसका क्यूब करने से 8 आएगा, 2 का क्यूब क्या आ जाता है, 8, 2 के बाद अब यूनिट डिजिट पे 2 रहना जरूरी है, आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो आगे क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, तो 12 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1728, फिर 22 का क्यूब करेंगे, 10648, 22 के बाद क्या आएगा, 32 का क्यूब करेंगे, 32768, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 32। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। ओके, थैंक यू।